कम बैक माय यूट्यूब चैनल में हूँ आपका अपना राजू भाई और आज आपके सामने लाया हूँ। पहले तो आरुण भाई इधर देख लो, ये बन रही है बीएमडब्ल्यू ब्लैक कलर की गाड़ी थी जो कि आप देख सकते हैं, इसको कर दिया गया पूरा बीएमडब्ल्यू में कन्वर्ट और इसकी वीडियो मिलेगी आपको अलग से। फिलहाल पहले आप इसको देख लो, तो जैसे कि बाहर दिखाया उसके बाद अंदर आपको देखने मिलेगी एक और आपको आर फाइव और जैसे कि वो दिखाई बीएमडब्ल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, साथ में मॉडिफिकेशन बहुत सारी उसके अंदर और अंदर आपको ये देखेंगे इसके अंदर भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन है। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी अंडर प्रोसेस आपकी टी प्लेट डलनी है, इसका आपका इंपोर्टेड वाला वाइजर लग चुका है, इसके अंदर विंगलेट लग चुकी है, 10 RPL मिरर लग चुके हैं, फॉग लैंप लग चुके हैं और आपको देखने मिलेगा फॉक्स लाइटर फॉक्स प्रोटेक्शन ये भी लग चुके हैं और इधर लगने वाली है आपकी टी प्लेट। ये देखो ये जो टी प्लेट है ना ये हटाकर इसमें लगाई ग्रे कलर की टी प्लेट जो कि आपको दिखाऊंगा अभी फुल वीडियो के अंदर जो आपको देखने मिलेगी इसी के अंदर। साथ में मिलेंगे इसके अंदर ये देख सकते हैं ये इसके लॉन्ग विंग्स ये भी इसके अंदर लगाए जाएंगे अभी, साथ में थाई पैड्स और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन है इसके अंदर। तो वीडियो में बने रहने लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और ध्यान दें वो आई है लखनऊ से और ये आई है चंडीगढ़ से, लखनऊ और चंडीगढ़ सोचो दूर दूर से गाड़ियाँ आई हुई हैं। इधर हमारे पास एक ये भी आई हुई है ये भी देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा लोडेड हो चुकी है, सबकी वीडियो आपको अलग अलग मिलेगी बट फिलहाल मैं दिखाऊंगा इसकी वीडियो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर कि मैं वैसे तो एक एक करके कवर करने वाला था बट प्लान में हो गया चेंज क्योंकि ना दोनों की लुकिंग जो निकल कर है काफ़ी यूनिक निकल कर आई है तैयार होने के बाद, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों को आपको एक साथ पहले दिखाया जाए, पहले आप एक साथ ना इन्जॉय करो वीडियो को इस तरीके से देखने को कि किस तरीके से दोनों के अंदर सेम सेम वर्क देखने को मिलेगा आपको। वैसे ये बाइक है आपकी ब्लैक और ये बाइक है ऑलरेडी वाइट, तो समझ लो ये वाइट और ये आपकी ब्लैक, लेकिन फिलहाल ये भी वाइट है और ये भी वाइट है। तो ये मिलेगा आपको RR S1000 वाला डिज़ाइन जो कुछ इसके अंदर देखने मिलेगा, लेकिन पहले मैं ना इससे पहले इसके अंदर दिखाता हूँ इसमें क्या किया गया है क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन इसके अंदर थोड़ी सी कम है बट लुकिंग ज़्यादा अलग लगे दोनों की। तो देख सकते इसके अंदर देखने मिलेगा आपको पहले 10 HT वाले मिरर, लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसे आती है लगने के बाद और ये ना अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हैं जैसे मर्जी इसको एडजस्ट कर लो ऊपर नीचे दाएँ बाएँ जैसे आप चाहो वैसे। और ना इसमें ना आपको जो कार के अंदर मिरर होते हैं ना वो इसके अंदर एडजस्टमेंट मिलती है आपको, इधर देखिए ये कार वाले एडजस्टमेंट मिलेगा आपको इसको, देख सकते हैं ये एडजस्टमेंट है ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी आप इस चाहो इसे वहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो ये है इसकी स्पेशलिटी, तो आपको मिरर मैंने दिखा दिया आपको, अब दिखाऊंगा ना सबसे यूनिक जो कि आपको मिलेगा इंपोर्टेड वाला, इसके अंदर मिलता है आपको डबल बबल वाइजर जो लोग ट्रेंडिंग में बोल रहे थे ना इसको और मिल नहीं रहा था ये अपने पास अवेलेबल हो चुका है। लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आती है इस तरफ भी और साथ में उस तरफ भी, दोनों को देख लो आप दोनों ही लगा दिए गए हैं इसमें भी 90% कॉन्सेप्ट सेम है इसके अंदर, बाकी जो उसके अंदर ग्राफिक का कॉन्सेप्ट बहुत सिर्फ अलग है बाकी आपको सेम दिखने लगेगा इसके अंदर। अभी फिलहाल इसका ये वाला कलर आया है, जल्दी इसका ट्रांसपेरेंट आएगा तो ट्रांसपेरेंट मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल अपने पास ये वाला अवेलेबल हो चुका है। लुक चेकआउट होकर क्या इसकी बल्कनेस बढ़ गई है इसे लगने के बाद और नीचे आपको देखने मिलेगी इसके अंदर विंगलेट, लुक चेकआउट और विंगलेट की ये इसकी प्रॉपर विंगलेट जो इसके अंदर लगा दी गई है और नीचे आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर शॉकर प्रोटेक्शन जिससे आपका मरगार्ड और आपके शॉकर्स ये होते हैं सेफ और साथ में आपको देखने मिलेगी इसका फॉग लैंप जो कि मिलता है वो मिनी ड्राइवर ही देख सकते हैं, ये आपको मिलते हैं मिनी ड्राइवर येलो कलर के देख सकते हैं आप और इधर आपको मिलता है वाइट येलो वाइट। देखो रोशनी कितनी ज़बरदस्त है इसकी, अभी दिन के अंदर है अभी इतनी रात हुई ना दुकान के अंदर है, अगर बाहर निकलेगी तो नाइट के अंदर समझ सकते हो क्या इसके रोड प्रेजेंटेशन बढ़ने वाली है आपकी इस बाइक की। और इसके बाद दिखाऊंगा इसके विंग्स ये देख सकते हैं ये इसके हैं आपके स्पॉइलर बड़े वाले से विंग्स भी कहते हैं लॉन्ग वाले बट मेन इसका नाम जो होता है वो होता है इसका स्पॉइलर, ये स्पॉइलर इसके अंदर फिट कर दिए गए ब्लैक कलर के सेम इधर और सेम आपको देखने मिले इस तरह। लुक आप चेकआउट कर लो कैसी आती है इसमें भी और इसमें भी, लुक चेकआउट कर लो आपको इसकी कैसी आ रही है आपकी, दोनों का कॉन्सेप्ट आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए इधर से भी उधर से भी। और जो विंगलेट इसके अंदर लगी थी इसके अंदर लगी है प्लास्टिक वाली और इसके अंदर हमने लगाई है फाइबर वाली, ये आपकी फाइबर वाली विंगलेट है देख सकते हो ये भी अपने पास अवेलेबल है अगर किसी को चाहिए, फाइबर और प्लास्टिक फ़र्क देख लो आप खुद ही, बहुत से लोग कहते हैं ना कि भैया फ़र्क क्या है, फ़र्क आपके सामने वीडियो में खुद ही आपको नज़र आ जाएगा दोनों के अंदर, दोनों आपके सामने लगा रखी है हमने लुक चेकआउट को इधर भी और उधर भी दोनों तरफ। अब इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लीवर गार्ड जो कि लगा देंगे इसके अंदर गोल्डन प्लस कार्बन वाले जिससे आपके लीवर सेफ होते हैं साथ में आपके हैंड भी होते हैं पूरी तरह प्रोटेक्ट और साथ में आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर देख सकते हैं मास्टर अंडर कैप जो कि आपको मिलती है यामा R5 ब्रांडिंग की गोल्डन कलर की और इधर आपको मिलता है की कवर, ये आपको मिलता है की कवर जो गोल्डन कलर के गोल्डन कॉन्सेप्ट लिया गया इसलिए सारा
और इसके बाद दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर देख सकते हैं क्रैश गार्ड, ये इसका फुल बॉडी क्रैश गार्ड लगा दिया गया इसके अंदर, जो कि आपको देखने को मिल जाता है कुछ तरीके से। और इसे लगने से ना पता क्या होता है, जो आपकी बाइक है ना वो स्वतः पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि जब भी गाड़ी गिरती है, क्रैश होती है, कुछ भी होता है, हल्का सा भी अगर गिर जाती है तो आपकी बॉडी इसकी टूट जाती है, टैंक में दिक्कत आती है, आपका वाइजर टूट जाता है। तो ये सबसे बचने का सिस्टम इसमें लग चुका है। ये क्रैश गार्ड बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। फिटमेंट चेकआउट कर लो इसकी कैसी आती है, बहुत ही प्रॉपर फिटमेंट दी गई है इसके अंदर और काफ़ी हैवी है। इस पर चढ़ के दिखाऊंगा, वैसे चढ़ के दिखाता हूँ। इधर देखो, इधर भी मिलेगा साथ में आपको, क्योंकि चढ़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, इसलिए चढ़ के दिखा रहा, वरना चढ़ के भी दिखा देता है इसके अंदर, क्योंकि इसके स्लाइडर्स तिरछे हैं इसके, इसलिए। और इसके अंदर साथ में देखो मिलेंगे, इसके अंदर देख सकते हैं साइड में, ये इसके अंदर लगा देंगे इसके थाई पैड, जिससे आपकी टैंक होती है पूरी तरह प्रोटेक्ट। और ये जो बाइक है ना पूरी कर दी गई है लैमिनेशन, जो कि पता भी नहीं हो रही कि लगी है या नहीं लगी है लैमिनेशन इसके अंदर। और बैक साइड में दिखाऊंगा आपको, देख सकते हैं ग्रैब रियल, और साथ में मिलता है इसका टॉप रैक, ग्रैब रियल टॉप रैक, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है, जो कि लुक चेकआउट कर लो आपकी इस कैसी आती है। और ये लगने के बाद ना समझ लो आपका पूरे के पूरा पीछे का टेल हो जाता है सेफ, फुल्ली सेफ। साथ में ना ये जो आपकी लगाई गई, इसमें लगाने के बाद आप चाहो तो टॉप बॉक्स वगैरह कुछ भी ना आप इजीली इसके अंदर लगा सकते हो और कहीं भी जा सकते हो किसी भी राइड पर। और इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हैं ये इसका रियर फुटरेस्ट, जो कि दोनों तरफ मिलेंगे, इधर भी सेम मिलेगा आपको, इस तरफ दोनों तरफ देखने मिल जाएगा। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, देख रहे हो अभी गोल्डन गोल्डन, ये जो गोल्डन गोल्डन है ये नट के कवर है, जो कि इसके अंदर लगा देंगे। लुक चेकआउट करो इसकी, हर तरफ से किस तरीके से आ रही है इसकी, गोल्डन आपको दिख रहे होंगे हल्के हल्के, ये भी अपने मिल जाएंगे ऑल कलर के अंदर। साथ में मिलता है आपको KTM स्टाइल वाला इसके अंदर इंडिकेटर, इसकी भी लुक चेकआउट करो कैसी आ रही है। और अब दिखाता हूँ इसकी रोशनी भी, ये देखो किस तरीके से इसकी रोशनी है, जो कि लगा दी गई इसके अंदर। और बैक साइड में देखने मिलेगी इसके अंदर, देखना टेल बॉडी लाइट्स, जो कि ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है बैक साइड, ये भी पता नहीं लग रही लगी है नहीं लगी है, इधर भी सेम मिलता है आपको इस तरफ। और मैं करता हूँ इसको बंद और दिखाता हूँ इसके अंदर दूसरा कलर, देखिए ब्रेक मारेंगे तो आपको हो जाएगा वाइट, ये देखो लुक चेकआउट करो इसकी कैसी आती है लगने के बाद। और साथ में आपको बैक साइड में देखने मिलेगा इसके अंदर शार्क फिन गार्ड, जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलता है, इससे आपका अंदर का शॉकर हो जाता है पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि जब भी राइड करते हैं ना तो डस्ट वगैरह जितनी होती है, कीचड़ मट्टी जो होती है सारी आगे रुक जाती है शॉकर पर, और शॉकर की कर देते हैं सील को ख़राब, तो उसे ख़राब होने बचाने के लिए लगा दे शार्क फिन मरगार्ड। और ज़रूरी नहीं कि आपका इसके अंदर ग्रे कलर है, आप चाहो तो इसके अंदर और भी कोई भी कलर ले सकते हो, रेड है, ब्लू है, और आपको मिल जाता है इसके अंदर आपका ब्लैक और ग्रे, ये सारे कलर इसके अंदर आपको हमारे पास अवेलेबल मिल जाते हैं। साथ में इसके अंदर देखने मिलेगी इसके अंदर एम्बियंट लाइट, जो कि देख सकते हो ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। इसमें आप मिलते हैं आपको मल्टी कलर, इधर भी सेम मिलेगा, इधर भी सेम मिलेगा भैया, देखो। और ना आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ इसके अंदर, ये देख, ये अंधेरा करने के बाद देख सकते हो उसके विंग्स, जो कि एंजल विंग्स है, ये भी इसके अंदर लगा दिए गए। लुक चेकआउट करो इसकी कैसी आ रही है, और करता हूँ दोनों की चाबी ऑन, दूसरी का ये देखिए, दोनों की लुक चेकआउट कर लो इसकी किस तरीके से आ रही है। इसके अंदर नॉन विंग्स है, उसके अंदर एंजल विंग्स लगे हुए हैं, जो कि आपको देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त रोशनी है इसके अंदर, जो कि आपको नाइट के अंदर दिखने वाली है। और अब दिखाता हूँ आपको इसके अंदर इसकी लाइटिंग का कलर, देखो इसके अंदर ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, और इसके बाद इसमें और चाहो ना देखो मल्टी कलर भी, ये क्या है, आप चाहो तो म्यूज़िक का भी इसके अंदर कर सकते हो, जैसे कि आपने म्यूज़िक मोड ऑन कर दिया तो कोई भी अगर उसके अंदर बोलता है कुछ होता है तो इसके अंदर ऑटोमेटिक कलर चेंज होते रहते हैं, तो ये भी इसके अंदर पैटर्न्स है। अब हम करते हैं इसको ऑफ, और ये तो हो गई कंप्लीट, पहले इसकी भी दिखाता हूँ, फिर मैं दोनों भैया से मिलवाऊंगा एक एक करके कि इनको काम कैसा लगा हमारा। देखिए जैसे इसके अंदर दिखाया था आपको सेम उसी तरीके का इसके अंदर वाइजर वही सेम मिल जाता है आपको कुछ लगने का देखने से इसके अंदर। और ये हमारी बाइक जो आई है, ये आई है लखनऊ से, और ये आई है भैया चंडीगढ़ से, ठीक है ना। दोनों बाइकें दूर दूर से हैं, जो कि आपको देखने मिलेंगी, और वही विंग जो मिरर इसके अंदर वही सेम इसके अंदर है, जो मैंने दिखाया था सेम सब कुछ है इसके अंदर। मिलेगी आपको आई हजार्ड, जो कि देखने मिले उसके अंदर हजार्ड है, इसके अंदर आई हजार्ड है, ये आपको विंगलेट मिल जाती है इसके अंदर फाइबर वाली। और इसके बाद विंग्स मिल जाते हैं आपको देखने को किस तरीके से। और इसके बाद आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर, देख सकते हैं व्हील कवर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और ना एक बार ना ऑल ओवर लुक चेक करो पहले बाइक की, कि आपको स्टिकर ग्राफिक की किस तरीके से लग रही है लुकिंग इसकी, पूरी तरफ चारों तरफ दिखा दो, इधर से उधर से सब तरफ दिखा दो, ये देख लो आपको कि लुक कैसी आ रही है लगने के बाद, ये बनने के बाद। कोई जज भी नहीं करेगा कौन सी गाड़ी रोड पे निकलेगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि पता लगेगा किसी को। और बाकी आप एक दो काम और वो भी दिखा दो इसके अंदर, इधर आपको विंग्स मिलते हैं जो मैंने इसके अंदर दिखाए थे स्पॉइलर वाले, ये भी इसके अंदर लगे हुए हैं। बॉडी इंडिकेटर भी इसमें लगे हुए हैं देख सकते हो, और बॉडी जैसे इसमें ना ऐसे इसमें भी बॉडी इंडिकेटर लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं इसमें बॉडी इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। और अब आते हैं पीछे की तरफ, तो दिखाते हैं आपको इसके अंदर ग्रैब रियल, जो कि इसके अंदर ग्रैब रियल प्लस टॉप रैक है, इसके अंदर ओनली ग्रैब रियल जो लगे हुए हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आपको देखने मिलेगा साइड स्टैंड जैकेट, देख सकते हैं ये भी इसके अंदर लगी हुई है, गियर चॉक्स भी इसमें लगा रखी है। और इसके अंदर जो लगा रखा है अब दिखाऊंगा आपको एग्जॉस्ट, जो कि ये भी इसके अंदर लगा देगा। बैक साइड में मिलेगा आपको इंडिकेटर, ये देखिए ये इंडिकेटर लगा देंगे आपको यामा ओरिजिनल जर्मन फिटिंग वाले LED वाले। और अब सुनाता हूँ आपको एग्जॉस्ट की साउंड इसकी किस तरीके की आने वाली है, ये देखिए ये आपकी साउंड आइडल पर हो गई,
अब दे दो ना टोटल। ये आपका R9 का एग्जॉस्ट जो इसके अंदर लगा दिया, फुल सिस्टम वाला है, देख सकते हैं। बैंड पर भी इसके अंदर लगा दे, बैंड पर जो होता है वो इसका है इंपोर्टेड वाला। तो बैंड पर देख सकते हैं इसके अंदर जो लगाया ना वो लगाया आपका इंपोर्टेड वाला। फ्रंट से चेकआउट कर ले, आगे से चेकआउट कर ले, सर तरफ से आपको देखने मिल जाएगा इसका बैंड पाइप जो कि मिलता है आपको इंपोर्टेड वाला, नॉट इंडियन नॉट कॉपी, ये मिलता है आपको इंपोर्टेड वाला। और यहाँ पर आकर दोनों की मॉडिफिकेशन हुई कंप्लीट। अब मैं एक साथ दोनों को मिलवाना चाहूँगा आपको कि दोनों भैया कहाँ से आए और उनको दोनों को कैसा लगा काम। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? और ये आप पकड़ो, तो आप भी कैसे सर ये बताइए पहले। बढ़िया। तो सर ये बताइए, आप दोनों की बाइकें अलग अलग शहर से लेकर आए हो, आप कहाँ से लाए ये बताइए और आप कहाँ से लाए ये बताइए एक एक करके। चंडीगढ़ से लेकर आया हूँ बाइक, और सुबह ही निकल गया था मैं 2 बजे, तो पहुँच गया था 5 बजे तक यहाँ पर। तो ऑल ओवर कैसा लगा आपको? काम अच्छा लगा है, बढ़िया, काफ़ी क्लीन हुआ है, मतलब मुझे पसंद आया, इसलिए मैं यहीं पर ही रेकमेंड करता हूँ। एंड आप भैया आप कहाँ से आए? मैं लखनऊ से आया हूँ, रात के 10 बजे निकला, सुबह के वही 5 बजे मैं पहुँच गया यहाँ पे, फिर मैंने रूम लिया, 9 बजे तक मैं शॉप पे आ गया। उसके बाद तुरंत जैसे मतलब आपको पता चला तुरंत आपने काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब आपको मालूम पड़ा मैं लखनऊ से आया हूँ, आपने तुरंत अपने कैबिन में बैठा ला, खाना खिलाया परिवार की तरह। ठीक है, ऑल अबाउट आप सर, आप दोनों से पूछना चाहूँगा आप काम में प्राइसिंग में दोनों एक साथ ही जवाब देना, कोई दिक्कत नहीं, माइक चालू है हमारा, दोनों को दिक्कत नहीं। तो आपको किस तरीके का लगा सब कुछ ये बताएंगे आप? नहीं, अगर मैं कहूँ तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ पूरी तरह से, मतलब ऐसी कोई कमी नहीं है, तो सब काम अच्छा रहा, बढ़िया रहा। आप बताइए सर। मैं बोलूँ क्या? बताइए मैं क्या बोलूँ, आपने काम ही इतना अच्छा किया है, कट नहीं कर रहा ये। क्या बोलूँ बताइए, आपको लग रहा था कि ऐसा काम हो जाएगा सर? कभी नहीं, ऐसा मालूम ही नहीं था कि इतना अच्छा काम कर दोगे आप, मतलब आप पे ये है कि आप पे भरोसा है कि आप मतलब पहले भी कर चुके हैं आप काम, मतलब स्कूटी में कर चुके हैं, पर उसमें बहुत अच्छा काम किया था, पर इसमें इतना नहीं पता, इतना अच्छा कर देंगे इसमें, बहुत अच्छा काम है। और आप भैया, आप जब आए थे आपने एक वाइजर का टारगेट हमें दिया था। हाँ जी, हाँ मैंने सोचा था इतना लगेगा, फिर मैंने कहा चलो बाद में देखे, आपके रिव्यूज आपने भी दिखाई, वीडियोस रेकमेंड की, तो फिर मुझे अच्छी लगी, तो लगवाई मैंने ये वो चीज़। तो देख सकते हैं आप दोनों भाई लोग खुश होकर जा रहे हो सर, आप लोग ऐसा तो नहीं कि इतनी दूर से आप आए हो तो कोई आपके साथ ऐसा हो कि भैया आ तो गए लेकिन यहाँ पे मज़ा नहीं आया, फिर लुट गए, या फिर बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं जो लोग सोचते हैं कि दूर से आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए, मतलब जो जो करवाना चाहते हैं क्लीन काम ही हो, अब बाइक लिए एकदम न्यू है ना सबकी, तो उसके हिसाब से काम भी अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तो परफेक्शन चाहिए तो आप आपको यहीं आना चाहिए। एंड आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कुछ मत करो, एक बार आके ट्राई करो, खुद मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर आपका भी आने के लिए, और एंड आपका भी आने के लिए। भैया दूर से आते हैं आप लोग, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी भाई लोग आए ना तो ऐसे ही प्यार बना रहे हमारे साथ, क्योंकि हम जो चाहते हैं ना, हम कहते हैं कि कोई भी भाई बंधु अगर हमारा आया कहीं से तो वो निराश होकर ना जाए किसी भी, चाहे वो काम से हो, चाहे प्राइजिंग से हो, चाहे वो हमारे नेचर या व्यवहार से हो। तो ये सब की कमी वैसे तो आपके राजू भाई कभी देता नहीं है जो कि आपको पता ही है, फिर भी अगर वो कभी गलती होती है तो हमसे माफ़ी एंड टू एंड मांग लेते हैं, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही आपका राजू भाई हमेशा ऐसे ही रहता है। और 25 ईयर का अपना एक्सपीरियंस हो आपको पता ही है कि 25 ईयर के एक्सपीरियंस वाला बंदा क्या काम करके देगा, बेस्ट टू बेस्ट करके देगा, चूँकि हम कोशिश पूरी करते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, एड्रेस लोकेशन जो भी है सब डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, बाकी आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वो कॉल भी कर सकते हो, आ सकते हो हमारी शॉप पर ऑल इंडिया से। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, गुड बाय।